400 साल से एम्स्टर्डम की मशहूर नहरें शहर को एक खास पहचान देती हैं। नहरों का यह सिस्टम पर्यटकों को खूब लुभाता है। नहरों का दौरा बोट से भी किया जा सकता है। मार्क पापिंग रोज नहरों का सफर करते हैं। शहर में इतने सारे कनाल हैं और आप इन पर बोट से कहीं भी जा सकते हैं और अपनी बोट पार्क भी कर सकते हैं। मैं इस बोट से टूर ही नहीं करता बल्कि बाजार भी करता हूँ। नहर बनाना एम्स्टर्डम के शिल्पकारों के लिए अपने समय में बड़ी चुनौती थी। It's very evenly distributed and नहर बराबर तरीके से फैले हैं और पुल सही जगहों पर बनाए गए हैं। एक तरफ ये पर्यटकों को खींचता है लेकिन ये शहर के लिए भी अच्छा है। इट्स अ वेरी वेल फंक्शनिंग सिटी। 16वीं शताब्दी में एम्स्टर्डम में व्यापारियों और प्रवासियों की वजह से जगह कम होने लगी तो शिल्पकारों ने शहर को फैलाने की योजना बनाई। फिर नहरों का निर्माण किया गया। हेरेनग्राफ्ट पर बने कैनाल हाउस में दर्शक जान सकते हैं कि उस वक्त के नेताओं और व्यापारियों ने जरूरी जमीन हासिल करने और नहर बनाने के लिए किस तरह सहयोग किया। इसलिए पहले नहर का नाम है हेरेनग्राफ्ट, उन हस्तियों के नाम पर जिन्होंने इसकी योजना बनाई। अंतिम नहर का नाम प्रिंसेनग्राफ्ट है जो एम्स्टर्डम गणतंत्र और प्रिंस ऑफ ऑरेंज के लिए खास है। ग्राफ्टन हाउस म्यूजियम की बालकनी से पीछे के बागीचे भी दिखते हैं। इन्हें सड़कों से नहीं देखा जा सकता। जमीन के एक हिस्से में बगीचा बनाना अनिवार्य था। 17वीं शताब्दी से ही एक स्थानीय कानून था। आप यहाँ इसे अच्छी तरह देख सकते हैं। हर साल फान लून म्यूजियम आम जनता के लिए अपने बागीचे खोलता है। ओपन गार्डन में 30 और बागीचे शामिल होते हैं। अंतिम तैयारियां हो रही हैं। टोंको ग्रेवर इसके आयोजक हैं। इन बगीचों की खास बात यह है कि ये दिखाई नहीं देते। जो बाहर से निकल जाता है वो केवल पत्थर और पानी वाला एम्स्टर्डम देखता है, लेकिन वैसे एम्स्टर्डम बहुत हरा भरा है। कुछ ही दूरी पर रहती है मार्थिय रोमर। पिछले साल इनके घर 4,500 मेहमान आए। अपने पड़ोसियों के साथ वह सब्जियां उगाती हैं। हमें अच्छा लगता है जब लोगों के लिए बगीचे खोले जाते हैं। यहाँ माहौल बहुत ही अच्छा होता है और सब लोग मेरी तारीफ करते हैं। काइजर ग्राफ्ट में रॉबर्ट और उल्रिके वेलर का बगीचा है। वे 15 साल से प्रदर्शनी में हिस्सा ले रहे हैं। उनका जियोमेट्रिक गार्डन समय के साथ रोमांटिक गार्डन बन गया है। उसकी खूबसूरती दर्शकों को हैरान कर देती है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, हम हैरान हो जाते हैं ये देखकर कि लोग आधी दुनिया का सफर तय करके इस बगीचे को देखने आते हैं। बागीचे से बागीचे तक या नहर से नहर तक, एम्स्टर्डम में आप नाव से तो सफर कर ही सकते हैं, साइकिल को भी अपना दोस्त बना सकते हैं।